आपको अमावस्या ध्यान करने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपको बहुत इंटेंस लेवल के एक्सपीरियंस भी होंगे ध्यान में, ठीक है। और आपका जो वाइब्रेशंस लेवल है वो भी अप होता है अमावस्या और पूर्णिमा के समय में, आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं। आप उस वाइब्रेशन में अगर अच्छा काम करते हो तो आपका जो स्थिति है वो अच्छे की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। अगर आप चिड़चिड़ाहट करते हो, गुस्सा आ रहा है आपको, क्योंकि वो इमोशंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो आप लोगों को उस वक्त में थोड़ा मौन रहना कि आप हमेशा ध्यान रखें मेरी बातों का, कि आप बिल्कुल गार्ड बांध ले या कहीं लिख ले कि अमावस्या और पूर्णिमा रहे तो घर वालों के साथ या कोई जो कलीग्स है उनके साथ हमारे, क्योंकि हमारे इमोशंस ही उस वक्त अप डाउन चलते होते हैं, तो हम लोग कभी कभी गुस्सा भी कर सकते हैं या हमारे साथ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि लोग गुस्सा दिला सकते हैं। हम तो कुछ नहीं बोलना चाहेंगे पर हमें लोग गुस्सा दिलाएंगे, या बहुत हमारे उस वक्त में परीक्षाएं ली जाती है ऐसे समझ लीजिए, तो उस वक्त हमें शांत रहने की पूरी कोशिश करनी, ठीक है। और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत डिसीजंस ना ले, तुरंत रिएक्ट ना करे, थोड़ा मौन रहे, थोड़ा शांति से विचार करे और उसके बाद आप उस पर विचार विनिमय करके फिर आप आंसर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा शांति से, और निगेटिव एनर्जीज का भी बहुत ये होता है इस दिनों में अमावस्या में, निगेटिव एनर्जीज थोड़ा हाई, मतलब उनके लिए बहुत अच्छा रहता है अमावस्या पे। तो हमें क्या करना है, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज आपको ऐसे, हम कहेंगे कि हमारे अंदर भी होता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा होता है ना, तो वो चीजें हमारे अंदर भी होती है, जो तामसिक चीजें होती है, तो उसको हमें बैलेंस करना आना चाहिए, ठीक है। तो निगेटिव एनर्जीज का भी हमें शमन करना होता है अमावस्या के दिनों में, हम लोग को इसलिए ज्यादा ध्यान करना है। अगर फ्री टाइम है, आप अगर ऑफिस में या कहीं ऐसी जगह पे बैठे हो या बस में ट्रेवल कर रहे हो, आपके लिए आपके पास 10 मिनट है थोड़ा, तो आप उस समय क्या कर रहे हो, इधर उधर मोबाइल पे स्क्रोल करने से अच्छा आप 2-10 मिनट के लिए ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अमावस्या है पूर्णिमा है तो हमें ज्यादा ध्यान करना चाहिए। तो आप थोड़े थोड़े अः इसमें भी आप करोगे तो भी आपको वो बहुत ही एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और निगेटिव एनर्जीज को इस समय क्या होता है कि इस समय ध्यान करने से नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास नहीं होती है, यानी नकारात्मक मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं नेगेटिव इमोशंस, हम उस पे रिएक्ट करते हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो हम अगर ज्यादा ध्यान करेंगे, हमें टाइम मिल रहा है तो हम ध्यान करेंगे, तो उस वक्त हम रिएक्ट नहीं करेंगे, इसी को हम नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। और इसमें हमें हमारे विचारों में क्या आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, है ना, सकारात्मकता आएगी, और हमारे विचार सकारात्मक होंगे, हमारे वाइब्रेशंस भी बहुत हाई होंगे, यानी हमारा स्पंदन आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और हमारे अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ऊर्जाओं का संचार होगा, यानी हमारी एनर्जीज और बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ती जाएगी, है ना मास्टर। और आंतरिक शक्ति में भी वृद्धि होगी हमारे, मतलब हमारे जो अंतर मन की शक्तियां है, हमारा विल पावर है, हमें डिसीजंस लेने में आसानी होती है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हम पॉजिटिविटी की तरफ, मैनिफेस्टेशंस हमारे अच्छे होंगे, हम जो चाहेंगे अच्छी चीजें चाहेंगे तो वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। और इस समय हम ध्यान के माध्यम से आंतरिक शक्ति और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते, है ना। तो अगर क्योंकि हम क्या करते हैं इस समय, हम थोड़ा लो वाइब्रेशंस में हो जाते हैं, आप थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिएगा कि अमावस्या और पूर्णिमा में हमारे विचारों में और हमारा थोड़ा सा एग्रेशन लेवल बढ़ जाता है, या हम तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं, तो ये सब आप ऑब्जर्व करने लगे, एक डायरी मेंटेन कीजिए, ठीक है, कि हमारे क्या है, आज के विचार क्या है, आप दिन भर जो भी काम करते हैं, कभी कभी किसी को डायरी लिखने की आदत होती है, पर अब डायरी आपको इसलिए लिखना है क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो गए हो, ठीक है। और आपको क्या करना है कि डायरी मेंटेन करना है कि आप दिन भर में आप कितने लोगों पे गुस्सा किए, या आपने जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे बोला या ज्यादा रिएक्ट किया, तो ऐसी चीजों को आप ना नोट करना, क्योंकि हमारे जब हम ध्यान में आते हैं ना, कोई नए लोग होंगे यहाँ पे, तो हमारे विचारों में बहुत चेंजेस होने लगते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं,
पर कभी कभी वो थॉट प्रोसेस में हम अपने आप को ऑब्जर्व भी करने लगते हैं कि हमारे थॉट्स किस तरफ जा रहे हैं, और हमें खुद भी अच्छा लगने लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। देखिए, हम तुरंत रिएक्ट नहीं कर रहे किसी को, हम लोग अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, है ना, शांत हो गए, हम लोग चिड़चिड़ाहट नहीं करते। तो ये बहुत सारी चीजें आप खुद ही अनुभव करेंगे आपके थॉट प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया अमावस्या की बात, तो अमावस्या पूर्णिमा में ज्यादा ध्यान करना चाहिए। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी, मैं कैसे ध्यान में आई। ओके, एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। मुझे बचपन से ही एक ये थॉट था मेरे अंदर कि मुझे लोगों को हेल्प करनी, सबसे पहला पहली बात कि मुझे बहुत मतलब मैं कोई भी दुखी व्यक्तियों को देखती थी तो मुझे अंदर से बहुत प्रेम जागृत होता था, कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये क्यों दुखी है। भिखारी भी देखती थी या कोई ऐसे दरिद्र व्यक्ति देखती थी, उनको उनके बारे में मुझे बहुत प्रेम आता था कि मैं इसकी मदद किस तरीके से करूं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देखती गई, ऑब्जर्व करती गई। उस वक्त मुझे नहीं पता कि मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगी, पर मेरे में अंदर वो ऐसी भावना थी कि मैं वो पूरे लाइफ में ऐसे लोगों की मदद करूं कि जिसको जरूरत है मदद की, जिसको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई। मैं वैसे तो स्पिरिचुअल फैमिली से ही हूँ, मेरे मम्मी पापा भगवान की बहुत भक्ति करना उन्होंने मुझे सिखाया। मैं एक्चुअली बचपन से मतलब अंधेरे से बहुत डरती थी, ये मेरा एक बहुत लो पॉइंट था कि मैं सब चीजें करती थी पर मुझे अंधेरे में जाने में, वॉशरूम में जाने में, या कहीं अंधेरा रहता था मैं डरती थी। तब मेरे पापा ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाया, उस वक्त बहुत छोटी थी मैं, कि हनुमान चालीसा पढ़ने से शायद इसके अंदर जो डर की भावना है वो कम हो जाएगी। और सही में मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखा। जैसे मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाती थी, तो वो हनुमान चालीसा ने मुझे एक अंदर से स्ट्रेंथ देते गए। और मैं जैसे साइकिलिंग करके स्कूल जाते थे हम, तो उस वक्त तो साइकिल ही होती थी, साइकिलिंग से जाते थे या बस से जाएंगे, तो मेरे मुंह में हनुमान चालीसा रहता था कंटिन्यू। तो मैं आज इसलिए हनुमान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे साथ रहते हैं। और उसके मतलब बचपन से ही लेकर मुझे हनुमान जी ने हमेशा मेरी हेल्प की। उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ी बड़ी होती गई, तो मैं मम्मी के साथ भागवत कथा सुनने जाती थी। तो मतलब बचपन से ही मेरा ये माहौल जो था वो पूरा रिलीजियस चीजों की तरफ था, भगवत गीता पढ़ना, और स्कूल्स में भी संस्कृत विषय था तो मेरा संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं भगवत गीता और श्लोक ये सब में बहुत इंटरेस्ट रहता था मेरा। तो मुझे भगवत गीता तो ऐसे समझ लीजिए मैंने बचपन से ही रट ली थी कि कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्णा की टीचिंग्स वगैरह। और कृष्णा भी मेरे लाइफ में आ चुके थे, क्योंकि हर चीजों को मैं, मेरे घर के पास एक राधा कृष्ण मंदिर था, हर चीजों को मैं जाके, मेरे जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आते थे मैं राधा कृष्ण मंदिर में जाके उसको सुना देती थी, जैसे कि वो मेरे फ्रेंड है और मैं उनसे हर चीज कहती थी। जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है वो मेरे लिए एक फ्रेंड का काम करते थे, और वो हमेशा मेरे हर्डल्स लाइफ के सॉल्व कर देते थे। तो मेरे अंदर वो भी विश्वास जागृत हुआ कि ये मेरे फ्रेंड है। फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद कुछ ऐसी चीजें आई, मतलब जॉब किया, फिर शादी हुई, बच्चे हुए, फिर कुछ चीजें अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में। तो ऐसी कुछ चीजें हुई, हम लोग एक्चुअली उस वक्त में एमपी में थे, मध्य प्रदेश में, और नर्मदा जी के किनारे, और वहां पे ऐसा नर्मदा जी से भी मेरा बहुत ही पता नहीं क्या अटैचमेंट है, उनके नर्मदा किनारे हम लोग रहने लगे। और वहां पे हमारा जनरली 10 साल से, 10-12 साल से हम लोग ज्यादा वहां पे रहे, मेरे हस्बैंड का जॉब था वहां पे। तो नर्मदा जी के ऐसे समझ लो, वहां के लोग बोलते थे एमपी के कि नर्मदा जी के गोद में हैं हम लोग। तो धीरे धीरे मैं नर्मदा जी को भी समझने लगी कि नर्मदा जी के वजह से बहुत सारे चेंजेस आए मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में। और हम लोग एक्चुअली वहां थे बहुत साल, तो ऐसा हुआ कि ऐसा एक हमें रेंटेड हाउस मिला था, वो रेंटेड हाउस था हॉन्टेड हाउस एक्चुअली। मतलब वहां पे मेरे इतने खतरनाक एक्सपीरियंस थे लाइफ के कि मैं क्या बताऊं। मतलब इतना कि वहां हमने 7-8 साल गुजारे, मेरी बेटी
वही वहां पे मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेवन तक तो हम लोग मतलब 7 साल तो थे, मेरी बेटी बहुत छोटी थी। वहां पे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे मतलब बहुत फाइनेंशियली बहुत हम लोग स्ट्रेस में गए। उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते गए। और मैं वैसे तो बहुत भक्ति करती थी, माला जाप ये वो, तो मैं उस दरमियान और माँ काली की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो मैं ज्यादा मतलब भक्ति और बढ़ गई मेरी, क्योंकि प्रॉब्लम्स जिसको आते हैं तो वो भगवान की तरफ और ज्यादा इंक्लाइन होता है, और बचपन से तो वही था बैकग्राउंड, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा इसमें गई। फिर और मतलब कुछ फिर वो क्या हुआ, वो घर में तो बहुत हॉन्टेड चीजें थी, तो वो मैं उससे भी मैं फैमिली को ओवरकम करने में मेरी स्पिरिचुअलिटी के वजह से उनको हेल्प हुई, मैं उनको वहां से निकाल पाई एक्चुअली। और बहुत सारे मैंने फाइंड आउट किया। और उस वक्त में मेरा ना एस्ट्रोलॉजी और ये सब हीलिंग की तरफ मेरा बहुत इंटरेस्ट जागने लगा कि मैं क्यों लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं हीलिंग लाइन में जाना चाहती थी। उस वक्त ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे हीलिंग करनी है, जो बचपन से मेरा ये था हेल्प करने का नेचर, तो मुझे हीलिंग लाइन में जाना है जिससे मैं मेरे फैमिली की हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो और फिर हमने वो क्या हुआ, वो जो हॉन्टेड हाउस था, ऐसे डेंजर एक्सपीरियंस की मैं आपको बताऊंगी तो मतलब बहुत गूज़बम्प्स आए, बहुत कांटे आएंगे आपको, तो वो नहीं बताना चाहती अभी रात का समय है, आप लोग डर जाएंगे। ओके कोई बात नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ। तो क्या हुआ कि वहां से हम निकलने में हमें पूरी तरह से मेरे हनुमान जी ने मदद की एक्चुअली। वहां पे मैं एक शॉर्ट में बता दूं कि मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को बहुत डरावने सपने आते थे। वहां पे मैंने फीलिंग एनर्जी को मैं फील करती थी, ये भी मेरे साथ एक गॉड गिफ्ट है, मुझे बचपन से ही गॉड गिफ्ट ये है कि मैं एनर्जीज को फील कर पाती थी। पता नहीं वो क्या था, उस वक्त मैं नहीं समझ पाती थी, आज मुझे समझ गया कि कहीं भी अगर कोई मैं घर पर किसी कोई ऐसी जगह पे चले जाऊँ तो मुझे एनर्जीज फील होती थी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वो नेगेटिव एनर्जी थी, वो मुझे हार्म नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको पता था कि इसके ऊपर अपना कोई बस नहीं चलने वाला। तो ऐसे ऐसी चीजें होती थी वहां पे कि कोई पक्षी मर जाएगा, कभी कुछ जीव जंतु जो है एनिमल्स है वो छोटे छोटे जो वो मर जाएंगे वहां पे, ऐसी चीजें होती थी, डरावने इनको सपने आते थे। तो मुझे आते थे सपने, पर उस वक्त मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी उस सपने में भी आकर वहां मेरी रक्षा करते थे। मतलब सपना ऐसा दिखाते थे मुझे कि वहां मेरे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो हनुमान जी मुझे बचाने आते थे सपने में भी। मतलब इतना मैं हनुमान जी और कृष्णा भगवान ने मुझे बहुत ही हेल्प की, और आज भी वो मेरे साथ रहते हैं, मैं हमेशा फील करती हूँ। उसके बाद क्या वो हम वो घर से निकलने में हम थोड़ा सा मैंने और मेरी एनर्जीज को बढ़ाया, बहुत पूजा पाठ वगैरह की। उसके बाद हम वो घर से निकल गए, फाइनेंशियली थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि और कुछ दिन के बाद और थोड़ा से डाउन चीजें होने लगी हमारे साथ में। तो उस वक्त मैंने पूरा ठान लिया था कि मुझे पूरी टोटली रेकी हीलिंग और न्यूमरोलॉजी ये सब कुछ चीजें सीखने हैं, मुझे हीलिंग लाइन में पूरा जाना है। और उस वक्त में क्या हुआ, मैं और माँ काली की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती गई, मैं मतलब माँ काली की बहुत पूजा पाठ करने लगी, इतना कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। इतना कि नवरात्रि के व्रत बहुत विदाउट कुछ भी खाए पिए, फ्रूट्स वगैरह खाना, सिर्फ अनाज बिल्कुल नहीं खाना, और बहुत माला जाप वगैरह करना। तो मुझे कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ अनुभव, जब नवरात्रि चली गई थी और मैं सिर्फ एक नवरात्रि नहीं करती थी, मैं जो पूरे नवरात्र होते थे साल में वो पूरे नवरात्र मैं टोटली बहुत जाप करती थी। तो मैंने सोचा कि माँ काली से मेरा कुछ तो अटैचमेंट है, शायद पिछले जन्म का होगा। तो एक ऐसा मोमेंट आया जब नवरात्र खत्म हुई थी और मैं उसके बाद में कुछ 8-1 दिनों के बाद मैंने भगवान की पूजा मतलब नहलाना धुलाना सब बंद कर दिया ऑटोमेटिकली। मुझे नहीं समझा कि मैं क्यों बंद कर रही हूँ, जबकि मैं उनको नहलाए धुलाए बगैर कुछ भी नहीं खाती थी, अपने मुंह में एक निवाला भी नहीं डालती थी, मैं कुछ भी नहीं खाती थी, उनको भगवान को नहलाना पूजा पाठ करना ये सब करती थी। अचानक वो मेरा बंद हो गया, अचानक मुझे किसी ने नहीं बोला, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, कुछ भी नहीं। और उस वक्त में एक्चुअली पत्री जी के भी वीडियोस आने लगे थे मेरे सामने और कोरोना भी का भी प्लानिंग चल रही थी। पर उस वक्त क्या हुआ कि मैं
वो बंद कर दी मैंने। पूजा पाठ जो कि मैं फूल चढ़ाना ये सब करती थी, मेरे गार्डन में बहुत सारे फूल भी लगाए थे कि मैं फूल चढ़ाऊंगी अलग अलग तरीके के, मेरे को मतलब उसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था। तो एक अंदर से एक इनर वॉइस आया, जागृत हुआ मेरे अंदर से कि माँ काली मुझे कहती हैं कि अभी तुम्हें पूजा पाठ ये फूल चढ़ाना ये सब नहीं करना, ठीक है। तो 8 दिन हो गए थे, मैंने भगवान को नहलाया धुला नहीं था, बस मैं क्या करती थी वहां बैठ के भगवान के मंदिर के सामने रोती थी। मैं बोलती थी ऐसा मैं कभी नहीं आज तक किया माँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मैं तुमको नहलाया धुला नहीं, और मेरी इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ बैठ के मंदिर के सामने रोती थी, मुझे कुछ तो चाहिए, कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में। तो माँ काली अंदर से वॉइस आई, मतलब पता नहीं मैं उस वक्त ध्यान में ही चली जाती थी क्योंकि मैं इतना माला जाप करती थी, तो मैं मुझे पता मुझे आज समझ में आया कि मैं उस वक्त जब माला जाप करती थी तो मैं ऑटोमेटिकली ध्यान में चली जाती थी, मुझे नहीं समझता, बहुत वाइब्रेशंस आते थे तो हमें तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त में कोरोना के समय में एक ऐसा वेव आया था कि बहुत स्पिरिचुअल की तरफ लोग इंक्लाइंड हुए थे, है ना। तो आप लोगों ने भी शायद अनुभव किया होगा। तो मैं बहुत रोने लगती थी कि मैं क्या, तो मेरे अंदर से आया, बहुत इंट्यूशंस आ रहे थे मुझे कि माँ काली मुझे कहती है कि अभी तुझे, अभी तेरी लेवल बढ़ गई है, अभी तुझे अपवर्ड मतलब अब उससे ऊंची इसमें जाना है तेरे को लेवल पे। तो वो ऊंची लेवल क्या है कि तुझे ध्यान में जाना है। तो मैंने सोचा ठीक है ओके, तो ध्यान के ऑटोमेटिकली मेरे सामने वीडियो आते गए कि मैं मुझे ध्यान ध्यान क्या है एक्चुअली पता ही नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे थी थोड़ा टाउन एरिया में थी, और सिर्फ हम लोग क्या है रिलीजियस बैकग्राउंड से आते तो हमको रिलीजन और ये सब पूजा पाठ इतना पता है, पर ध्यान के बारे में कुछ मिडिल एज में कुछ भी नहीं पता था ना लोगों को। तो उस वक्त में और बाद में कोरोना के बाद से बहुत लोगों को मेडिटेशन से बारे में पता चल गया, अब मुझे नॉलेज देने वाला कोई भी नहीं। फिर मेरे हस्बैंड भी उस वक्त में आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, उनको वहां बाहर जॉब मिल गई थी एमपी से थोड़ा दूर जॉब, और मेरे बेटे का 10th क्लास था तो मुझे तो वहां से निकलना नहीं था जब तक उसका 10th हो जाए। तो मैं अपने आप मेरे सामने मेडिटेशन के वीडियो आते गए, फिर मैं ऐसे मतलब निर्मला माता जी जो हैं वो सहज योग सिखाती हैं थी, तो निर्मला माता जी का वीडियो आया जो सहज योग आपने आप जानते होंगे, टीएमसी के वीडियोस मेरे सामने आते थे पत्री जी के, पर मैंने इतना अट्रैक्ट नहीं थी उस वक्त में। तो अचानक निर्मला माता जी का आया तो मैंने वो उन्होंने जो क्रिया बताई थी कि कैसे कुंडलिनी को उठाना है, तो वो वीडियो मेरे सामने आया, वो वीडियो मैंने देखा, तो मैंने उस जैसे उन्होंने स्टेप्स बताए थे वैसे किया, तो मुझे अचानक फील हुआ कि साक्षात निर्मला माता जी मेरे सामने बैठे, और वो उस वक्त उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, बॉडी विकेट कर दी थी, पर मुझे ऐसा फीलिंग हुआ था कि प्रत्यक्ष मेरे सामने निर्मला माता जी बैठे हैं और वो मुझे पूरे वो प्रोसेस करवा रहे हैं कुंडलिनी जागृत का। तो मेरी उस वक्त मुझे लगा कि मेरे कुछ तो मुझे चक्रास फील होने लगते थे, और मैं किचन में भी काम करूँ या कहीं काम करूँ तो मुझे चक्रास में ठंडा ठंडा फील होता था, जब कोरोना आने वाला था उसके पहले की बात है। और मैं ऐसे सोती थी लेटती थी दिन में खाना वाना खाने के बाद, तो मुझे ऐसे झटके आते थे, बहुत सारे झटके आते थे कि मुझे कुछ तो कोई तो मुझे हिला रहा है, कुछ कुछ तो मुझे करना है। तो बहुत सारे मेडिटेशंस क्या है इसके बारे में वीडियो देखी निर्मला माता जी का, मैंने 1-1.5 साल किया उनकी प्रोसेस से, तो मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट करने में मुझे उनकी हेल्प हुई। उसके बाद क्या हुआ कि पथरी सर के वीडियो मेरे सामने बहुत सारे आने लगे, पर तब भी मैं ऐसी थी कि पता नहीं वो कोई शायद टाइम नहीं आया होगा, तो मैं पथरी सर के जो भी पिरामिड मास्टर्स है ना उनके वीडियोस देखकर मैं ध्यान करती थी, और मैं उस वक्त रेकी भी सीखने लग गई थी। तो उसमें क्या हुआ मुझे और हेल्प मिली रेकी से, और मेरे जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो करना शुरू किया, तब मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे पूजा तो नहीं करनी है, मुझे मेडिटेशन की तरफ, माँ काली मुझे बोल रही है कि अभी तुझे तेरी लेवल बढ़ गई है, अब तुझे आगे कुछ करना है बहुत बड़ा। तो मेडिटेशन और फिर अचानक क्या हुआ मेरे सामने पत्री सर का ऐसा वीडियो आया कि उसमें मैंने ये देखा कि उन्होंने बॉडी विकेट कर दी, ठीक है। तो वो बॉडी विकेट करने के बाद उनकी जो यात्रा जा रही थी सब कुछ था, तो मैं वो देख रही और मैं सोच रही कि मेरे आंखों से पानी क्यों आ रहा, क्यों आंसू आ रहे, अचानक ही आंसू आ रहे। और उसी टाइम पीरियड में मेरे सामने महावतार बाबा जी के भी
पूरे वीडियोस आते जा रहे थे और एक के बाद एक महावतार बाबा जी की स्टोरीज में सुनते जा रही थी कि कौन है महावतार बाबा जी। मतलब उन्होंने ही मुझे चूज किया कि मुझे ये सब दिखाना। उस वक्त में मैं इतनी डिटैच थी ऑल ओवर फैमिली से, रिलेटिव से, ना कोई फ्रेंड थे, और हम लोग बहुत आइसोलेट एरिया में थे जहाँ पे नर्मदा जी की है नदी है, और ऐसा टाउन एरिया में कंपनीज वगैरह फैक्ट्रियाँ थोड़ी दूर रहती थी, तो हम लोग बहुत ही आइसोलेट जगह पे थे। तो मेरे साथ को और मेरी आदत थी कि मैं बहुत शाय थी और कोई आसपास में भी थी था नहीं, तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, तो मैं अपने पे बहुत टाइम दे पाती थी और मैं बहुत चिंतन मनन करने में मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उसके बाद महातर बाबा जी की भी वीडियोस एक साइड में देखते जा रही हूँ और कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस भी देखते जा रही हूँ, मेडिटेशंस के बारे में भी समझते जा रही थी। तो पथरी सर का वीडियो आया तो मैं बहुत रोने लग गई, बहुत रोई कि मैं, फिर मैंने सोचा मुझे क्यों रोना आ रहा है, इनको देख के मुझे क्यों रोना आ रहा है, इन्होंने तो बॉडी विकेट की, ये कोई भी नहीं है, मेरे गुरु नहीं है, कोई नहीं है, तो मैं क्यों रो रही हूँ इनको देख के। फिर मैंने उनकी बातें सुनी बहुत सारे सुने, और पिरामिड मास्टर्स के भी मैंने सुने बहुत सारे। फिर उन दिनों में मेरे बेटे का 10th क्लास होने के बाद में जब उसका पूरे रिजल्ट वगैरह पेपर्स हो गए, फिर मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते थे वहां पे हम लोगों को उन्होंने बुला लिया कि अभी यहाँ पे हमें शिफ्ट होना है, आप लोग आ जाओ। तो उस वक्त मैं पीएमसी से और थोड़ा सा अटैच हो गई, और उस समय में मैंने और हीलिंग के बहुत सारे कोर्सेस करना शुरू कर दिए थे, और वो भी था साथ साथ में, और पीएमसी से भी कनेक्ट होती गई, और बहुत सारे मास्टर्स की मैंने धीरे धीरे पहचान होती गई मेरी, और मैं और ज्यादा मतलब पीएमसी क्या है उसके बारे में जानना शुरू की, और अच्छे अच्छे मास्टर्स से मेरी मुलाकात होती गई, मैंने उनके सेशंस किए, मुझे ये पता चला कि ग्रुप मेडिटेशन से बहुत फायदा होता है, ग्रुप मेडिटेशन करना चाहिए। तो उसमें मैंने फील किया कि मेरी एनर्जीज और बढ़ती जा रही थी, मतलब जितने मैं मेरी एनर्जी थी उसमें और मुझे अपनी एनर्जी में, अपने वाइब्रेशंस में बहुत अच्छे फीलिंग आने लगे कि मैं ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस, है ना, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होने लगे थे। तो और सबसे बेस्ट चीज मैं ये करती थी कि मैं लोगों के एक्सपीरियंस जरूर सुनती थी, ये मेरे में एक बहुत अच्छी आदत थी कि उस आदत की वजह से मैं और ज्यादा मतलब पीएमसी से और कनेक्ट होती गई, मुझे ये अच्छा लगता था। भले ही मैं थोड़ा सा शाय थी, मैं बातें नहीं करती थी पहले, क्योंकि मुझे लोगों के एक्सपीरियंस सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं एक एक एक्सपीरियंस सुनती थी सबके बहुत अच्छे से, जिससे मुझे ये पता चला कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। और एक मैंने नियम बांध के रखा था, जिस दिन मैंने मेडिटेशन शुरू किया था, जो कि मैंने निर्मला माता जी की ही मेडिटेशन से शुरू किया था, तो आनापानसति ध्यान तो मैं वो भी जानती थी उस वक्त में, पर मैंने ये किया कि मैंने मेडिटेशन उस दिन एक भी दिन नहीं छोड़ा। इवन जिस दिन से मैं सोचती थी कि मेरा नया जन्म हुआ है, जिस दिन से मैंने मेडिटेशन शुरू शुरू किया, तो उस दिन से लेकर आज तक मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेटली मास्टर, कि मैंने एक दिन भी मेडिटेशन छोड़ा नहीं। मैंने अपने आप को ये नियम डाला कि अगर जिस दिन मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊँ उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊं, ठीक है। और ये मैंने, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने अपने अंदर नियम ठान लिया। तो कभी ऐसा होता भी था कि ट्रैवलिंग में मैं ट्रेन में भी रहूं तो भी मैं मेडिटेशन करती थी, तो शुरुआत में मेरे घर के सब लोग बोलते थे कि तू ट्रेन में भी शुरू हो जाती है, और हाई वाइब्रेशंस होते थे तो फिर कभी मुंडी घूमेगी, कभी कुछ अपने हाई वाइब्रेशंस होते, तो घर वाले बोलते थे कि तू ट्रेन में भी करती है तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। मैं बोलती थी कि कोई बात नहीं, जो सोचना है सोचने दो, मुझे तो करना है मेडिटेशन, मैं तो करूंगी। तो उनको ये पता था कि ये तो किसी की सुनने वाली है नहीं, ये तो करेगी। फिर मेरे घर वालों ने भी एक्चुअली फिर मुझे थोड़ा सा बोलना शुरू किया कि इतना क्यों करती है तू सुबह दोपहर शाम को, मतलब मेरा नियम था कि मैं सुबह मॉर्निंग में करूंगी, फिर दोपहर में काम खत्म होने के बाद तब भी करूंगी, और रात को भी मैं सोने के पहले करती थी। तो बोलते थे कि इतना क्यों करती है तू, मेडिटेशन थोड़ा बहुत कर लिया हो गया, जब भी हम देखे तो मेडिटेशन ही करती है। तो मैंने फिर क्या होता है कि नहीं मुझे तो करना है, क्योंकि मुझे कुछ तो हासिल करना था, कुछ तो मिसिंग था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और जानना है क्या है मेडिटेशन, है ना। तो
मैंने उनको यही बोल दिया था, समझा दिया था, क्योंकि होता है अपोजिशंस हमारे घर में भी, बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी इस चीज के लिए आपको अलाउ नहीं करता है ना। अगर जेंट्स है तो उनके फीमेल की तरफ से उनको अपोज होता है, या फीमेल है तो उनके जो भी घर के लोग हैं उनको अपोज करते हैं। तो मैंने उनको एक ही बात समझाई थी कि मैं अगर घर के पूरे काम निपटाकर सभी के काम को पूरा हेल्प करती हूँ, बच्चों का सब करती हूँ, घर के काम करती हूँ, खाना पीना बनाना या कपड़े धोना, जो भी होता है, जो भी रोजमर्रे के दिन के काम होते हैं, उसमें से समय निकालने के लिए सिर्फ मैं अगर मेरे लिए थोड़ा देर समय निकालू तो उसमें कोई भी गलत नहीं है, है ना। तो हम लोग, हमारे लिए समय निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। घर वालों के लिए तो हम समय निकालते, पूरी लाइफ हम जीते आ रहे हैं और अभी तक जीते भी आ रहे हैं, पर हमें अपने लिए कितना समय निकालना है। 24 घंटों में हम अगर 7 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, उसमें बाकी के समय हम घर वालों के लिए दे रहे हैं, उसमें से 3 घंटे हमें निकालना ही चाहिए। अगर आप 3 घंटे कंटिन्यू ध्यान नहीं कर पा रहे हो, आप 2 2 घंटे करो या 1 घंटा करो, ठीक है। आप 3 समय अलग अलग निकाल लो, क्योंकि मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही किया था। शुरुआत तो मेरी 15 मिनट से शुरू हुई थी, तो अपने आप ही मेरी लेवल बढ़ती गई, तो मैं अपने आप आधा घंटा कैसे मेरा होते गया, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे पता ही नहीं चला। तो फिर उनको भी समझ में आ गया कि ये किसी की सुनने वाली नहीं है, और मैं मेडिटेशन करती गई कंटिन्यू, मैंने छोड़ा नहीं। और उसी के साथ मेरे न्यूमरोलॉजी मैं बनी, न्यूमरोलॉजिस्ट बनी, टैरो कार्ड रीडिंग, और पूरा ऑकर्ड लाइन मैंने चूज की, और वो भी मैं करती गई उसके साथ में। और फिर बाद में मैं ऑटो राइटिंग भी करने लगी। तो ये उसके बहुत सारे चेंजेस मेरे पीएमसी में आने के बाद हुए। तो ऑटो राइटिंग की मैंने, ऑटो राइटिंग में भी आपको मैंने मैसेज दिए हैं, मैं माँ काली से कनेक्ट हुई, हनुमान जी से कनेक्ट हुई, राधा कृष्ण से कनेक्ट हुई, शिव जी से कनेक्ट हुई, मैं गौतम बुद्ध से भी कनेक्ट हुई। उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस दिए, एक दो लाइन नहीं मास्टर्स, मुझे दो दो तीन तीन पेजेस मुझे मैसेजेस मिले हैं। और माँ काली तो मेरे से बहुत बार कनेक्ट हुई, इवन धरती माँ भी मुझसे कनेक्ट होकर बातें की है। धरती माँ ने बहुत सारे मुझे मैसेजेस दिए कि अभी आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है मास्टर, अभी आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान करना है। अगर आपके घर में आप ध्यान करते हो तो आप अपने आप की पीठ थपथपाइए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि आपके वजह से आपका घर सेफ रहेगा, आपके घर वाले सेफ रहेंगे, और आपके ध्यान करने की ऊर्जा से आपके घर में बहुत सारे ध्यानी बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते मैं और आगे बढ़ती गई, ऑटो राइटिंग किया। फिर अब मैं, फिर हमारी ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हम लोग ट्रांसफर होते जा रहा था हमारा, मेरे हस्बैंड का कहीं कहीं जॉब लग रहा था। और आज नागपुर, फिर मैं नागपुर भी गई बीच में, नागपुर से मैं आज देहरादून में हूँ, और देहरादून से आपसे बात कर रही हूँ। देहरादून में भी मेरे एक्सपीरियंस थे। एक्चुअली महावतार बाबा जी क्या है, इसके बारे में और जानने की कोशिश की। महावतार बाबा जी की गुफा में जाने के लिए मुझे बहुत, मैंने मैनिफेस्ट किया था एक 1.5 साल से, तो मुझे महावतार बाबा जी की गुफा में जाना है, मुझे वहां जाके ध्यान करना है। तो मैंने, मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे कि नहीं, फिर हम कभी जाएंगे, अभी अभी देहरादून शिफ्ट हुए, अभी क्यों जाना है। तो मैंने दिल्ली वाले ग्रुप के साथ, मुझे जाना था, मैंने ठान लिया था कि मुझे जाना है। तो मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मुझे आना है आपके पास, मैं 1 साल से आपके लिए वेट कर रही हूँ, मुझे आपकी गुफा में आना है, और मुझे नहीं पता, आप मुझे बुला लो। तो महावतार बाबा जी को बस बोला, और 1.5 दिन ही नहीं हुआ था, 1 या 1.5 दिन हुआ था, तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि हाँ ठीक है चले जाओ, गुफा में चले जाओ। फिर वहां नीम करोली बाबा, और वहां पे सब स्पिरिचुअल ट्रिप थी हमारी, और उन्होंने ये तो कहा कि तुम चले जाओ। एक्चुअली मैं लाइफ में कभी अकेली गई नहीं मास्टर, मैं सभी घर वालों के साथ ही जाती थी, मैं कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल ट्रिप पे नहीं गई। तो उन्होंने ये कहा कि तुम चली जाओ उसके साथ, अब अपने बच्चों को भी ले जाओ, क्योंकि उनकी भी एग्जाम्स हो गई। तो ये देखिए, मतलब मावतर बाबा जी का चमत्कार देखिए, कि वो चाहते थे कि मैं तो आऊं पर मेरे बच्चों को भी साथ लेके आऊं। तो उनके मुंह से बुलवाने वाले भी वो ही थे कि बच्चों को भी साथ में ले जा, ऐसे उन्होंने कहा। तो फिर वो स्पिरिचुअल ट्रिप हुई मेरी, देहरादून जस्ट शिफ्ट हुए थे हम लोग, तो वो मेरी बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप थी।
और उसके एक्सपीरियंस अगर आपको सुनना है तो मेरे चैनल पे आप सुन सकते हो, जो यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस चैनल है मेरा ये वाला, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है वहां पे भी। महातर बाबा जी की बहुत मतलब बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं हम सभी के, जो भी लोग हम वहां पे गए। तो ये मेरा ध्यान से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, पर मैंने एक ही नियम रखा मास्टर कि मुझे ध्यान नहीं छोड़ना है। और मैं अभी थोड़ा सा बिजी भी हो गई मेरे वर्किंग के वजह से, मेरा जो भी फील्ड है अपर साइड में मैं हूँ, तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, तो दिन में अगर मैं ध्यान नहीं कर पाती तो उसका मैं फुलफिलमेंट रात को कर लेती हूँ। रात को मुझे ध्यान करना है तो अगर मैं 1 घंटा कम मैं ध्यान कर रही हूँ दिन में, तो मैं रात को 1.5-2 घंटा ज्यादा कर लेती, ऐसा करती। तो यही रखा मैंने कि मुझे ध्यान करना है, और उसके बेनिफिट्स ये मिले कि मेरे घर में मेरे बहुत अच्छे वाइब्रेशन होने लगे, मेरे घर वाले मेरी बातों को सुनने लगे, मेरे बच्चे भी ध्यान में आने लगे, तो बहुत सारे चेंजेस हुए मेरे बच्चों को। मेरी बेटी छोटी है, मेरा बेटा बड़ा है, तो वो भी ध्यान करने लगे, उनको भी समझने आने लगा कि पढ़ाई में भी बेनिफिट्स होते हैं ध्यान के। बहुत सारी चीजें हुई। और एक बात ये हुई अभी लेटेस्ट की, वो मैं आपको बता के खत्म करूंगी कि मैंने बाबा जी को बोला कि मुझे देहरादून, मैंने एक्चुअली, हाँ ये भी बात बोलूँ कि नागपुर में मैं जब थी तो मैंने डफ एंड डम स्कूल में जाके, जो बच्चों को बोलना नहीं आता और सुना ही नहीं आता, ये बच्चों को जाके भी मैंने वहाँ अनाथ आश्रम में ध्यान सिखाया, तो वो भी पत्री जी की कृपा और महावतार बाबा जी की कृपा, उन्होंने मुझे सेवा के लिए चुना और मैं वहां जाके ध्यान सिखा के आई वहां के बच्चों को। तो उसके बाद मैंने यहाँ आई तो मैंने बोला कि सेवा मुझे चाहिए बाबा जी, पत्री जी मुझे सेवा चाहिए, मुझे यहाँ पे भी स्कूल में जाके ध्यान सिखाना है। तो उस वक्त में बहुत गर्मी चल रही थी जब जब हम यहाँ शिफ्ट हुए, तो मैंने कहा कि आप पे मैंने छोड़ा है, आपको मुझे सेवा देनी है तो दीजिए, नहीं तो फिर ओके है। पर मुझे बाहर जाके, और मेरा ये था सोल पर्पस एक्चुअली कि मुझे छोटे बच्चों को ध्यान ज्यादा सिखाना है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है हमारा फ्यूचर है। ठीक है, हम तो समझ जाते हैं मास्टर्स की हमें ध्यान करना है, चलो हमें तो कोई किसी ने फटकार भी नहीं लगाई तो भी हम लोग को समझ में आ जाएगा आज ना कल। पर बच्चों को, जो बच्चे आजकल के जो स्कूलिंग्स कर रहे हैं, उनको आप सोचिए कि उनको क्या एजुकेशन मिल रहा है। जो एजुकेशन आजकल के जो इतने हाई पावरफुल बच्चे आ रहे हैं उनके लेवल का नहीं है, वो इरिटेट होते हैं। मैंने खुद मेरी बच्ची को इरिटेट होते देखा है स्कूल के पढ़ाई के लिए। तो क्योंकि आजकल के बच्चों को ये ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, ऐसी पढ़ाई चाहिए आजकल के बच्चों को गुरुकुल वाली, जो कि राम भगवान के समय में होती थी, कृष्ण भगवान के समय में होती थी। आजकल के इतने हाई वाइब्रेशंस वाले बच्चे हैं, उनको ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, वो कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं ऐसी पढ़ाई से। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मतलब फिर मैंने बाबा जी को बोला था कि मुझे सेवा चाहिए, तो मैंने सोचा कि मुझे तो स्कूल में जाके ऐसे ध्यान सिखाना है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो नागपुर के मेरे रिलेटिव्स के थ्रू उन्होंने कुछ फ्रेंड्स मुझे जूम मीटिंग पे जोड़ दिए और मैं उनको आज ध्यान सिखा रही हूँ। तो वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं जूम पे सिखाऊं, मैंने सोचा कि जूम पे तो वैसे ही पीएमसी के बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, मैं कौन सा और अलग करने वाली हूँ। पर शायद पितामह की और बाबा जी की इच्छा थी कि मैं जूम पे ध्यान सिखाऊं, तो मैंने वो शुरू किया। मैंने सोचा कि चलो आपकी जैसी इच्छा है मैं सिखा रही हूँ, तो आज भी मैं सिखा रही हूँ। तो मैंने मैंने सरेंडर कर दिया, मतलब आप जब जहां मुझे ले जाओगे मैं वहां सिखाने चली जाऊं। तो मैंने फिर एक समय था कि मैंने सोचा भी था कि मैं नहीं, इन लोगों को कहीं और मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, पर उसके बाद बाबा जी ने और 10 लोग 15 लोग जोड़ दिए मेरे ग्रुप में, मतलब मैंने ये सोचा भी नहीं था। और फिर मतलब ये मुझे लेसन मिला, बाबा जी कह रहे थे कि तुझे यही पे कुछ दिन के लिए टिकना है, मतलब यही ये काम फिलहाल तो तुझे करना है, अब आगे वो सोचेंगे कि मुझे आगे कौन सी सेवा देनी है मुझे नहीं पता, पर मुझे बच्चों के लिए काम करना है, ये मेरा सोल पर्पस था। तो मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया छोटे बच्चों को, और ऐसे बच्चों को मैंने सोचा कि नॉर्मल बच्चों को तो हम ध्यान सिखाते हैं मास्टर, पर ऐसे बच्चों के जो स्पेशल चाइल्ड है या फिर जो टफ एंड डम है, उनको सुनाई नहीं आता, ये नहीं होता, पर वहाँ के टीचर्स लोगों ने हमें कॉपरेट किया एक्चुअली, उनके कॉपरेशन की वजह से मैं ध्यान सिखा पाई उन लोगों को, और कुछ दिन जाके मैंने ध्यान सिखाया, उनके टीचर्स को भी ध्यान सिखाया, जिसके वजह से उनको उसकी हेल्प मिली। तो ये सब
पता नहीं कैसे होता गया, अपने आप होता गया, और मैंने तो सरेंडर मोड पे हूँ अभी फिलहाल तो मैं, कि जो मुझसे सेवा हो रही है वो करवा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ, और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और वैसे तो कुछ नहीं, पर यही है कि मैं सरेंडर मोड में हूँ, और पितामह पत्री जी और माँ अवतार बाबा जी, और मेरे इष्ट तो हैं जो माँ काली और हनुमान बाबा और मेरे कृष्ण सखा, ये तो है ही, मेरे साथ ही रहते हैं, मैं ये सोचती हूँ। और बस ये थी मेरी जर्नी ध्यान की, एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना, बहुत थैंक सुंदर यू। मैम, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छे अनुभव आपके। तो बहुत ही मतलब जो हमारे ध्यानी इनको बहुत प्रेरणा मिलेगी इनसे, और वो भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। मैं तो आल्सो मैं आपका फॉलो फॉलोअर हूँ। जब से मैंने आपको देखा मैं आपकी मतलब ये समझ लो कि हाँ, मुझे पता बिल्कुल है। आप तो, आपके साथ तो मेरा हार्ट से रिलेटेड रिश्ता है। जी हाँ, मैम, मुझे पता है। हाँ कहते सर, हैं ना कि पुष्कर पास जी। रहे या दूर रहे, नजरों में समाए हाँ रहते हैं। नहीं, और मैं क्या आपको सही एक है बात बता दूँ ना, जो हम लोग ना क्या है पता है, सोल फैमिली है। जी। हम लोग भी कभी कभी ग्रुप में बात करते हैं, मेरे ग्रुप के लोग भी जुड़े हैं यहाँ पे, हम लोग कभी कभी मस्ती करते हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे घर वाले हमको पागल समझेंगे क्या, क्योंकि हम लोग ना जब सोल फैमिली मिलते हैं ना, तो बहुत ही मतलब हो ऐसे हो जाते जाते हैं हैं, कि जैसे कि हम लोग परिवार एक हिस्सा है हम लोग। और जो अंदर से इनर जो हैप्पीनेस होती है ना, हाँ, वो तो हैप्पीनेस होती है, इंतजार नहीं किया जा सकता, वो बहुत उसको बहुत फील किया जा सकता है, है, और जितना हम बताया मतलब अपने शब्दों में उसको ढाला जा हाँ सकता है। रिलेटिव्स के साथ जितना कंफर्टेबल नहीं फील करते, ध्यानी लोगों के साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते अब तो ये समझ लो कि यही रिश्ता है, यही रिलेशन हो गए। हैं। अब हाँ, दिन भर पुष्कर इसी जी में, का इसी कुछ के आगे, कहना है। कभी इस ध्यान में कभी उस ध्यान हाँ, में, मतलब यही समझ लो कि यही ढूंढते रहते हैं, पूरा दिन यही लगा रहता है। जितना भी समय टाइम खाली रहता है उसमें और कोई टी ना टीवी चलता है ना कुछ और चलता है, बस ध्यान 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 ही खाना, ध्यान ही पीना, ध्यान ही ओढ़ना। ये मुझे लग रहा है कि हमारे जीवन में ध्यान ऐसे समा गया जैसे सांसों में समा गया है, और यस, उन्हीं पे ध्यान बिल्कुल सही लगाना कहा। सर। तो हाँ, कम ध्यान ध्यान करा बिल्कुल बिल्कुल। दीजिए। हाँ, ये पुष्कर किसी को अगर क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं तो थोड़ा ले लेते हैं, 5 मिनट्स के हाँ लिए, ले फिर हम लीजिए, यस ध्यान यस कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मास्टर्स आप लोग ना हैंड रेज कर लीजिएगा। पुष्कर जी बहुत देर से हाथ, जी मैम, पुष्कर हाँ जी पुष्कर जी पूछिए। बोलिए। मैम, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप ये लामा फेरा और ऑटोमेटिक राइडिंग राइटिंग सिखाएंगे? लामा फेरा, लामा फेरा मैं नहीं करती हूँ, मैं रेकी मास्टर अच्छा हूँ और ऑटो राइटिंग वगैरह करती हूँ, पर उसके लिए आपको मुझे मुझसे बात करनी पड़ेगी पर्सनल पे, ठीक है। ओके और एक्चुअली मैं एक्चुअली अभी वो तो सब सीखा हुआ है मैंने, पर अभी फिलहाल मेरी वर्किंग थोड़ा ज्यादा न्यूमरोलॉजी की तरफ है, मतलब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं और मैं उनकी फिर रिपोर्ट बनाती हूँ, तो ये उस पे मेरा थोड़ा ज्यादा टाइम मेरा चले जाता है, और दूसरा टाइम मेरा सेवा में जाता है, मतलब ध्यान सिखाना वगैरह, तो मैं वो टीचिंग्स नहीं देती हूँ, मैं रिपोर्ट बनाती हूँ लोगों के, जिसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके रेमेडीज देती हूँ, रिपोर्ट बनाती हूँ, 15 पेजेस का आसपास रिपोर्ट होता है, डिटेल उनको क्या करना चाहिए, उनके जो भी जॉब में हर्डल्स है या बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं वो रेमेडीज देती हूँ, और उनको उनके जो भी लाइफ है और वास्तु भी बताती हूँ, ये सब मैं करती हूँ। तो मैं सिखाने का फिलहाल ये फील्ड अभी नहीं है मेरी, पर अगर आगे रहा तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। तो मैम मेरे को आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। मैं दे हाँ दूंगी पुष्कर जी, डोंट वरी। हाँ, मैम दे ओके देंगे आपको, ठीक है। ठीक है। और अभी तो कोई और किसी अच्छा, ने ये रहा है? PLR के रिगार्डिंग कुछ? नहीं, पीएलआर मैंने नहीं ओके सीखा अभी, तो मेरी अभी मैं लर्निंग्स कर रही हूँ, ऐसा समझ लीजिए कि मैं ये हीलिंग ओके लाइन पुष्कर से जुड़ गई हूँ, तो जी, अभी ये एक आपको एक करके देखिए एक सीखना दिन है। मैं आपको भी बुलाऊंगी, आपने जो जो सीखा है वो आपको भी यहाँ पे बताना होगा। बिल्कुल मैम, हमारा बड़ा मतलब यस, आभारी आपने क्या क्या रहेंगे सीखा है, आपके। पुष्कर जी ने क्या क्या मैं सीखा है बताइए। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ,
और एक्यूप्रेशर, एंजल ब्लेसिंग और डाउजिंग। वाह बढ़िया, बहुत अच्छा। जी तो ये सब एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे भी सभी को बताना होगा एक दिन। एक दिन आपके संग बिल्कुल ये भी सर, आपके समय रखूंगी। बिल्कुल जी, तो अभी जैसे अभी आपकी मास्टर इच्छा। अनिकेत जी के ने एंडरेज किया है। अनिकेत जी आइए और बताइए क्या क्या सवाल है आपका। यस अनिकेत जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनिकेत जी सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? हाँ जी, सभी हाँ मैम से सवाल को जय कीजिए जो श्री सवाल। कृष्ण मंच। श्री कृष्णा बोलिए, मैम से पूछिए जो पूछना है। जय ये श्री कृष्ण। ऑटो राइडिंग जो मैम ने वर्ड यूज किया वो क्या होता है, हमको कुछ पता नहीं है, रेकी के बारे में कुछ पता नहीं है। वो मैम से ही जान पाएंगे मास्टर, आप मैं तो नहीं बता पाऊंगी इस बारे में, क्योंकि मास्टर मैम से में ही, जो ऑटो राइटर मैम जो ऑटो राइटर है और उनकी हाँ ऑटो राइटिंग मैंने सुनी भी है, और हो सके तो अभी एक सेशन में ऑटो राइटिंग का आपको आप लोगों को दिलवाऊंगी मैम से। तो हाँ वैसे थोड़ा बहुत जान लीजिए मैम, मैम आपका सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ जी देखिए सर, अनिकेत जी, मैम, रेकी हीलिंग क्या होता है कि रेकी मैंने इसलिए सीखा कि मुझे ये पता था कि रेकी से मेरे जो कुंडलिनी है, जो मेरे चक्रास है, उसकी हीलिंग अच्छे अच्छा से होगी। क्योंकि उस वक्त मैं मेडिटेशन में आ गई थी, तो मुझे ये जी पता चला कि रेकी हीलिंग से, रेकी सीखने से, क्योंकि रेकी से क्या होता है, हम अपने चक्रों पे खुद हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये जी सोचा, जी क्योंकि जैसे प्रॉब्लम्स थे मेरे लाइफ में, तो मैंने सोचा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं, मुझे हीलिंग लाइन अच्छी लगती थी, तो मैं सोची कि मेरे हीलिंग की वजह से मेरे परिवार के लोगों को तो भी मैं हीलिंग दे पाऊँ, है ना, इसलिए मैंने सीखा था एक्चुअली। तो मैं अपनी जी सबसे पहले हमें, जैसे देखिए जी अपना मटका जो है वो भरा होगा जी तभी आप दूसरों को पानी पिला पाएंगे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जी तो अगर मैं अपनी एनर्जीज को अच्छे से एक्वायर ना करूं या अपनी एनर्जीज को नहीं बढ़ाऊं, तो मैं दूसरों को जी कैसे एनर्जी दे पाऊंगी। ओके, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल इस बिल्कुल वजह से मैम। मैंने रेकी सीखा, जिससे मैं अपनी मास्टर एनर्जी सभी अपने बढ़ाऊं। आप को अनम्यूट कीजिए, जो बोले वही वो करे, म्यूट कर अरे जय लीजिए श्री अपने आप माता को, को, वो सदा आवाज आ रही है। लगाई हाँ हाँ हेलो। आवाज आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए नहीं तो हेलो, मेरी आवाज सब लोग आ अपने रही है? आप। यस अनिकेत जी दोबारा से अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हाँ अनम्यूट तो कीजिए ऐसा अपने आप है कि नहीं, अनिकेत जी को म्यूट रखिएगा, सबको ही म्यूट रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ, तो पहले मेरी बात सुन को। लीजिएगा आप लोग, अच्छा सब लोग म्यूट कर लीजिएगा बहुत आवाज आ रही है। हाँ तो मैं बता रही थी कि वो उसके वजह से मैं रेकी में आई, और ऑटो राइटिंग के बारे में बताती हूँ। तो चक्रास का जो होता है ना हीलिंग, तो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके वजह से मुझे खुद चक्रास में एनर्जीज फील होने लगी, ऑरा क्लीनिंग, ये तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी। ठीक है, रेकी के बारे में आपको पुष्कर जी भी बता सकते हैं, वो तो मास्टर है। और दूसरी बात ऑटो राइटिंग के बारे में जो होता है कि ऑटो राइटिंग ये कैसा होता है कि चैनलिंग आप बोल सकते हैं, चैनलिंग। जी तो चैनलिंग होता है, मतलब जो मास्टर्स होते हैं, जैसे देवी देवता हैं या कोई मास्टर हैं, तो वो हमसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कैसे? तो ध्यान के माध्यम से। तो जैसे ध्यान के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, और मैं भैया सामने एक पेन और को दूध पेपर दे रखती दीजिएगा, हूँ, खाना तो नहीं खाएंगे। बहुत डिस्टरबेंस मास्टर है, अपने आप को अनम्यूट कर म्यूट कर आप लीजिए। सबको म्यूट कर दीजिएगा सबको ना, म्यूट किया मैम, बट मैं ये ऑप्शन लोग ओपन कर लेते हैं ना, म्यूट नहीं म्यूट ऑल कर दीजिए ना, म्यूट ऑल, ऑल तो किया मैम, ये म्यूट वो ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल। ओके मैंने कर दिया सबको म्यूट अभी। तो ऑटो राइटिंग ये होता है कि ध्यान में मैं बैठती हूँ और मेरे सामने मैं कॉपी और पेन रखती हूँ, और ध्यान करने के बाद मुझे करते करते या फिर ऐसी एनर्जीज मुझसे कनेक्ट होने लगती है, जैसे हनुमान जी की कनेक्ट हुई, और एक्चुअली पत्री जी भी मुझसे कनेक्ट हुए थे, तो हनुमान जी, काली माँ, तो ये मुझे फील होने लगता है, मतलब मुझे दिखते हैं विजन्स, और मुझे फील होने लगता है कि ये मास्टर आ रहे हैं और ये मुझे कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो उस वक्त मैं अपना पेन उठाती हूँ, कॉपी उठाती हूँ, और मेरी आंखें बंद होती है, ये समझ लीजिए मेरी आंखें बंद ही होती है, मैं आंखें नहीं खोलती हूँ, और मैं मेरा पेन
जो भी मुझे अंदर से जो भी मैसेज मिल रहे हैं वो मास्टर्स के द्वारा, मैं वो रजिस्टर पे लिखती हूँ और आंखें बंद ही रहती है मेरी, और जो भी मास्टर मुझे संदेश देना चाहते हैं तो मैं लिखते जाती हूँ, मेरा पेन लिखते जाता है और मैं लिखते रहती हूँ। और जब वो मास्टर्स को बोलना उनका खत्म होता है या उनको विदा लेना होता है तो वो मुझे बता देते हैं कि अभी ये इतना संदेश हो गया है, आपको ये ह्यूमेनिटी के लिए बताना है। मतलब ये स्पिरिचुअल संदेश मुझे मिलते हैं मास्टर, मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई भी मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों पे संदेश नहीं मिलते हैं। मतलब आपकी जॉब है या ये सब चीजें जो भी आपके प्रॉब्लम है, हमें संदेश इसीलिए यही दिए जाते हैं देवी देवताओं द्वारा या कोई भी मास्टर्स हमसे जुड़ते, कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। तो ये इसके संदेश मुझे मिले हैं धरती माँ के द्वारा और जो भी देवी देवता हैं इनके द्वारा मुझे संदेश दिए गए हैं कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मुझे ऐसे ही सेशंस में फिर बुलाते हैं तो मैं वहां जाकर सेशंस में मेरे ऑटो राइटिंग के संदेश देती हूँ। ये होती है ऑटो राइटिंग, और आंखें बंद करके ही आपको इसके लिए आपकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, आपको ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। मैंने तो एक्चुअली ऑटो राइटिंग सीखा है, पर ऐसा है भी ऐसे भी कई मास्टर्स हैं जिनको अपने आप ऑटो राइटिंग आती है, पर वो लोग थोड़ा थोड़ा लिख पाते हैं, पर मैं बहुत सारा मैसेजेस ले पाई हूँ। मतलब ऑटो राइटिंग डायरेक्ट एक्चुअली जैसे रेकी का शक्तिपात होता है, इनिशिएशन होता है, उसी तरह से ऑटो राइटिंग का भी इनिशिएशन होता है। और फिर मैं मेरे पास अपने आप ही पहले दूसरे दिन से ही मुझे मास्टर्स कनेक्ट होते गए, पहले सबसे पहले कृष्ण भगवान क्योंकि मैं उनसे बहुत अटैच थी, फिर कुछ दिन बाद हनुमान जी, माँ काली, शिव शक्ति, ऐसे सभी मास्टर्स मुझसे कनेक्ट होते गए धीरे धीरे। माँ काली भी बहुत बार कनेक्ट हुए, हनुमान जी भी कई बार, धरती माँ भी कई बार। तो वो मास्टर अगर बार बार आने चाहे तो वो अलग अलग दिन में कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। गौतम बुद्धा भी कनेक्ट हुए, तो ऐसे कई मास्टर्स कनेक्ट। तो इसको हम ऑटो राइटिंग कहते हैं, और उसके लिए आपको ध्यान की आपकी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप ही ऑटो राइटिंग होती है। आपको ऑटो राइटिंग क्या है इसके बारे में, आप जीवात्मा जगत के नियम, ये हिंदी में है वर्जन, द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, वो मैं अभी मेरे चैनल पे वो बुक पढ़ भी रही हूँ, उसके अभी कुछ चैप्टर्स हुए हैं। ऑटो राइटिंग क्या है इसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा उसमें, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, इसका हिंदी वर्जन मैं अभी पढ़ रही हूँ मेरे चैनल पे, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये जो एनर्जी हमसे कैसे कनेक्ट होती है ध्यान के माध्यम से, उसके बारे में आपको पता चलेगा उसमें। क्या क्या नाम है मैम चैनल का? क्या नाम है चैनल? ये मेरे सामने है यूनिवर्सल फ्रेग्रेंस, ओम श्री। मुझे है स्पॉटलाइट कर दीजिएगा सुमित्रा जी। एक मिनट, सुमित्रा जी आप अनम्यूट हैं। यस अनिकेत जी, ये मैं आपको लिंक दे दूंगी मैम के चैनल का, अगर नहीं तो आप नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल प्रिवेंस जो ओम श्री करके, जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो अभी किसी के सवाल नहीं होंगे तो हम ध्यान की तरफ जाते हैं यस मैम, ना। यस ओके, थैंक यू सो मच।